और भैया लाए हैं गोलगप्पे। आज है लैपटॉप की पार्टी, तो भैया तेरे लैपटॉप की पार्टी। यहाँ पे देखो रावत जी, हाँ पहले के जमाने के रावत जी, अब के जमाने के रावत जी। लोग आज मीशो से शॉपिंग कर रहे हैं, हम लोग मंगा रहे हैं अपने लिए कपड़े, क्योंकि आने वाली है राखी। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा उत्तराखंडी डेली ब्लॉग्स में। तो दोस्तों करते हैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करने से पहले सबको मेरा प्यार भरा पहला। तो दोस्तों आज हो रहा है मौसम घना और सुबह से बारिश लगी हुई है यहाँ। मामा हो चुका नाश्ता वगैरह बन चुका है हमारा, बच्चे चले गए हैं स्कूल और हम भी जाते हैं नीचे। अभी आया है दीदी का फ़ोन, तो दीदी बोल रही है थोड़ा सा गाबे तोड़ के भेज दो, जो उस दिन हमने सब्जी बनाई थी। जाती हूँ मैं नीचे ताई जी लोगों से पूछ के, वहाँ से तोड़ती हूँ गाबे, फिर पापा जाएंगे वहाँ। आ चुकी हूँ नीचे और यहाँ पे से तोड़ती हूँ मैं गाबे। हमने तोड़ दिए गाबे, मम्मी ले गई आगे, इतने मेरे हाथ में है और रखते हैं वहाँ पे, करते हैं काम। आ गई हूँ मैं ऊपर और काबू को नहलाती हूँ। लोगों ने भी नहा लिया है, मैंने और काबिया ने, और वो बारिश से भीगने के लिए चली गई देखो नहला धुला के। और अब जाते हैं नीचे, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है, नीचे भी कैसे जाएँ, तो दौड़ लगा के जाते हैं नीचे को। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ नीचे और मैंने लगा दिया अपने लिए नाश्ता, तो पहले नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस नाश्ता करने के बाद हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग कर रहे हैं लैपटॉप का यूज़। हम लोग आज मीशो से शॉपिंग कर रहे हैं, हम लोग मंगा रहे हैं अपने लिए कपड़े वाली राखी। तो मार्केट जाना फिर बच्चों के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे स्कूल वाले हो चुके हैं और मार्केट जाना उतना लगता नहीं है सही। यहाँ से मार्केट जाओ फिर वहाँ से लोग बात वही पड़ती है, इसलिए आज हम लोग कर रहे हैं मीशो शॉपिंग। लैपटॉप में मीशो ऐप डाउनलोड किया है और उसमें हम लोग देख रहे हैं कपड़े, तो हम देखते हैं आज क्या क्या मंगाते हैं। और आज जेठानी जी मंगा रही है कपड़े तो देखते हैं आज क्या क्या कपड़े मंगाते हैं। तो इसमें 247 का ये मिल रहा है प्लाजो सेट। तो दोस्तों इसमें कुर्ती सेट और प्लाजो सेट और ड्रेस मटेरियल सब चीज़ है, साड़ी भी मंगा सकते हैं आप इसमें से। तो इसमें से हम लोग मंगाते हैं, देखते हैं आज क्या क्या मंगाते हैं। ये है साड़ी, 312 रुपये की है ये, 40% ऑफ है इसमें। बहुत लोगों की मुझसे तारीफ सुनी है दोस्तों, हमने मीशो से कपड़े, हमारे ये कॉलोनी में भी हैं बहुत से लोग, उन लोगों ने भी मीशो से शॉपिंग करी है। तो आज हम लोग भी ट्राई करते हैं, अगर अच्छा लगेगा कपड़ा तो हम फिर मंगाएंगे। तो गाइस मैंने अपने लिए मंगाया है ये गाउन, ये वाला ग्रीन कलर का है ये, बहुत प्यारा लग रहा है। तो वो भी मैंने तो कम रेट वाला ही मंगाया है, क्योंकि मैं देखती हूँ कपड़ा कैसा आता है, अगर कपड़ा अच्छा होगा तो फिर मैं और मंगाऊँगी। यहाँ से मैंने साइज कर अपना मीडियम, प्राइस के लिए गई नीचे, बाय नाउ। तो इसमें तो सेंड OTP, अच्छा OTP आएगी, इसमें नंबर डालना है। गाइस मैं नंबर नंबर डालती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हम लोगों ने मंगा दिए हैं मीशो से कपड़े। फ्लिपकार्ट से तो हम लोगों को आइडिया है कि कौन सा कपड़ा कैसा मिलता है, तो आज मीशो से पहली बार हमने कपड़े मंगाए हैं, देखते हैं कैसा आता है कपड़ा। कपड़े मंगा दिए हैं, अब बनाते हैं खाना। मैं बना रही हूँ मसूर की दाल और बारिश हो रही है बहुत तेज़, चलते हैं अंदर बनाते हैं खाना। तो गाइस यहाँ पर चढ़ा दी मैंने मसूर की दाल। मैंने पहन लिया है अपने भतीजे का रेनकोट और मैं जाती हूँ दक्षु को लेने। दक्षु का रेनकोट ये है मेरे हाथ में, दक्षु का रेनकोट लेके जा रही हूँ और मेरा हेलमेट। तो मिलती हूँ आपसे, दक्षु को लेके आती हूँ। पहले खा लिया जाए खाना और बच्चों को खिला दिया है और हम लोग भी खाते हैं खाना। इतने खा लिया है खाना, कढ़ाई भी कुकर भी सब चाट दिया है। यहाँ पर खा रही मम्मी, तू क्या कर रही है यहाँ पे, तूने खाना खा लिया ना, जाओ अंदर जाओ। गाइस खाना खा लिया है हम लोगों ने और अभी करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद मिलते हैं सीधा चाय के टाइम पे। तो चलते हैं अंदर और करते हैं थोड़ी देर रेस्ट दोस्तों। तो बच चुके हैं शाम के 4 और मैं हम लोग उठ चुके हैं और मैं आई हूँ अभी छत में, क्योंकि दिन भर की बारिश के बाद अभी निकल आई है धूप। तो डालती हूँ कपड़े बाहर। तो मैं आ चुकी हूँ नीचे और अब बनाती हूँ चाय सबके लिए। तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दी चाय, चाय उबलने तक बर्तनों को लगाती हूँ स्टैंड में। तो चाय हो चुकी है रेडी और देती हूँ मैं सबको। गाइस ये लोग फिर रोज की तरह जाने लग गए ट्यूशन। तू भी पढ़ाई करेगा आज, ठीक है? अच्छा नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। गाइस सब्जी काट दी मैंने, आलू मूली तुरई की सब्जी बनाऊंगी आज। फिर बाहर देख रहे हैं भैया की शादी की फ़ोटो, तो आपके आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलते हैं बाहर और देखते हैं फ़ोटो। तो यहाँ पे ये खोल दी है एल्बम,
भैया की और दीदी की। यहाँ से देखते हैं हम लोग, अब बैठे हैं बुआ दादी बैठी है, अम्मा बैठी है और मम्मी, तो हम लोग सब लोग देखते हैं फोटो, तो आपको भी दिखाते हैं आज फोटो भैया की शादी की। ये है भैया, ये देखो दोस्तों गौरी, अरे बिजी गौरी है यहाँ पे, देखो रावत जी, हाँ पहले के जमाने के रावत जी, आपके जमाने के रावत जी। ये है दीदी की सास और यहाँ पे ये है दीदी और जिया जी। ये नाना या ये नानी है, देखो दोस्तों ये नानी और यहाँ पे नाना। कतु बल आगम जनत है, आप देखो मम्मी और पापा, पापा देखो कैसे थे उस टाइम पे, मामी मम्मी, मम्मी के चेहरे में यार मेरी शादी में अलग दिख रही थी मम्मी, तुम्हारी शादी में अलग दिख रही है, अब मम्मी अलग दिख रही है। ये है मम्मी की पहली समधनी, उसके बाद दो समधनियां और आ गई। रावत जी, रावत जी और दीदी, दीदी के सगल यहाँ पर सेम बिजू जैसी लग रही थे। ये है दीदी और जिया जी, पापा तुम तो बिल्कुल नेता जैसे लग रहे हो यार। यहाँ पे बारात जाने की तैयारी होने लग गई, गर्म हो गया वहाँ मेरी बात, मम्मी लाल टमाटर की छोरी हो जान की छो, ये जो हो जाए जो वो भान ये देहरादून वाल छिन, देहरादून वाल, देहरादून वाल। यहाँ पे छोलिया बाज भैया की शादी में छोलिया वाला है, ये क्या हो ये राव जी को इतनी खुशी हो रही है। हां मम्मी मेरे पापा और पापा की शादी में, पापा और मम्मा, मम्मी जाते हैं, मम्मा मम्मा सब जगह पे तेरे काबू, सब जगह तेरे पापा ही नाच रहे थे, ये सब जगह पे तेरे पापा ही नाच रहे हैं। पकड़ती है क्लच, बड़ी बहन हनी बीना दी, ये बीना दी देखो अपने जमाने की हीरोइन, हिमुदा हिमुदा पहचान लेना अपने आप को, दोनों बुआ है लता बुआ है, ईजा और ये बाबू लता देखी मेरी भी। तो गाइस यहाँ पे शुरू हो गई जयमाला, ये देखो मन्नू दा की मंजू बुआ है, ये बुआ ये वाली बुआ, यहाँ पे इनकी दोस्त लवली, जो जो वीडियो देख रहा है सब अपने को देख लेना, सुष्मिता आज की बारिश ही कबूतर नहीं हो गई होगी, मित्तू मित्तू पूजा मिलकानी ऊपर वो मिलकानी, यहाँ पे दादा ताऊ ताई और पापा, मेरे पापा है ये, बोले पापा है ये, देखो रेनू को ये कमल भैया ये कविता वो बीच में कौन है, ये शिव के पापा है आगे, और ये शिव के गुरु ये आगे ट्यूशन से, ये छोटा सा ईशु दत्ता का, ये दीपू मामा, ये यहाँ पे शुरू हो गए फेरे, यहाँ पे दुल्हन ने पहनी स्वेटर देखो दोस्तों, इसको लग गया ठंडा, मेरी लाल दुल्हन आ गई घर, ये गौरी दीदी की बहुत गौरी, ओ बुआ ये यशोदा आंटी, मीनू आंटी, मम्मी डांस कर रही थी, तेरी मम्मी ने कौन से वाले गाने में डांस करा, पूछ अपनी मम्मी से, ये भी कर दियो आंसर, आगरा क्यों है यार, वैष्णो टॉपर वैष्णो, पापा पापा का मुंह, पहनू की टीम है आया कोई नहीं, यहाँ पे इनकी टीम, यहाँ पे इनकी टीम, और यहाँ पे ये आगे देखो कपल डांस करते हैं, पूजा दी का एक्शन, ये प्रभादी, प्रभादी अपने आप को देख लेगी इसमें, मतलब करना भी नहीं आने वाला, कैसे हो रही है। तो गाइस ये लो आगे ट्यूशन से, इसका साइकिल चलाना स्टार्ट हो गया है, कैसे ये देखो ये इसकी साइकिल चुरा के ले गया, ये देखो इसको मौका मिलना चाहिए बस, उससे साइकिल तूने गिराई ना, अब इसमें तेरी मैम देखेगी, बोलेगी क्या कहते तूने ईशु ने दफ्तर की साइकिल गिराई। अरे दूध वाले नमस्कार, उजा वही रख इसको, ये जय जय भगवान जी है। आ चुके हैं मंदिर में और करते हैं पूजा, इतना बड़ा है, इतना बड़ा नहीं, लो मम्मा ने भी तो छोटा जलाया है ना, आप भी छोटा जलाओ वरना दादा पिटी कर देंगे फिर, मम्मा तोड़ के दे दो, लो भी तोड़ के दे दिया। मैं करूंगा मैं करूंगा
अच्छी मत देना को हमारी हो चुकी है पूजा और अब हम जाते हैं नीचे कराते हैं दक्षु को होमवर्क फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हो रही है हमारी गोलगप्पे पार्टी और भैया लाए हैं गोलगप्पे। आज है लैपटॉप की पार्टी तो भैया दे रहे लैपटॉप की पार्टी आज और भैया लाए सबके लिए गोलगप्पे तो मैं लगाती हूँ हम लोग लगा रहे हैं मैं और दीदी और फिर देते हैं सबको। काबू कैचोले ये मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों के लिए और हमने यहाँ पे लगा दिए हैं उसके बाद यहाँ पे से बच्चों को मम्मी लोगों को पापा लोगों को सबको देंगे। ये भुक्कड़ बैठी है यहाँ पहले खाने लगी लगा पहले खाने भी नहीं दे रहे हैं खा 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 चलो बच्चों को खिला रहे हैं उसके बाद खाएंगे बड़े और मैं खिलाता हूं। तुम भी आओ तो पानी वालों में ना हरी मिर्च खा लेना हम लोग जैसे भिंडी में सुबह हम खाएंगे खाना देख लो हम लोग नहीं गाइस हम लोग आ चुके हैं ऊपर और हो रही है सोने की तैयारी 11 बज चुके हैं। इसी के साथ मैं अपनी ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। कल के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और व्यस्त रहिए दोस्तों तो बाय बाय।